subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. So firstly, congratulations for Mirzapur 2. So like kitna excitement hai uske liye? काफी एक्साइटमेंट है, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है एक्चुअली, क्योंकि इतने लोग इतने इमोशनल हैं मिर्जापुर के साथ, बहुत ही कनेक्टेड है, तो ये देख के ऑडियंस का रिएक्शन देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ मैं. ज़रीना बेगम का जो कैरेक्टर है, लास्ट टाइम जिस तरीके से आपने एक छोटा सा ही रोल प्ले किया था, पर ऑडियंस के माइंड में वो उस एक छोटे से कैरेक्टर ने इस तरीके का छाप छोड़ दिया कि टू में भी आपका एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा कुछ हमें बताना चाहें. देखिए, सीजन वन में मुझे बस प्लेस ही किया गया था, मेरे कुछ तीन सीन थे जिसमें से एक गाना था, तो मुझे लगा ही नहीं था कि इतना प्यार ऑडियंस से मुझे मिलेगा. मुझे लगा था कि इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं ऑलरेडी, तो कहाँ ही पीपल विल यू नो उन्हें कहाँ ही मैं रजिस्टर होंगी. लेकिन जब मिर्जापुर वन रिलीज हुआ, उसके बाद जितना प्यार मिला ज़रीना को, मैं तो मतलब आई वॉज रियली सरप्राइज एंड टेकन बैक इन अ वेरी हैप्पी वे कि इतना सारा प्यार मिला मेरे कैरेक्टर को. तो इसलिए इस बार उत्सुकता लोगों के अंदर और ज्यादा थी कि इस बार ज़रीना क्या करेगी. ज़रीना हैड बिकम दिस ह्यूज क्वेश्चन मार्क. तो आई थिंक मुझे मेरे कैरेक्टर ग्राफ जो है इस सीजन में, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि अभी बहुत कुछ चीजें, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न ज़रीना में देखने को मिला है इस बार. मिर्जापुर 2 की बात करें तो इस बार की जो ज़रीना होगी वो कितनी कॉन्फिडेंट होंगी, जैसे पार्ट वन में, और पार्ट वन में तो हमने आपकी छोटी सी झलक ही देखी थी, तो यहाँ पे कितना सीन हमें आपको, कितना सीन आपका देखने मिलेगा, एंड किस तरीके का जो मेजर कैरेक्टर होगा आपका वो किस तरीके से होगा पूरा इस सीजन में? ज़रीना एक ऐसी कैरेक्टर है जिसके थ्रू बहुत रेवलेशंस होंगे, वो एक ट्विस्ट की पार्ट है, तो इतना ही बता पाऊंगी. आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉइलर्स अवे, बट हाँ, ज़रीना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस बार. जब आप मिर्जापुर पार्ट वन कर रही थी, तो ऐसा कभी सोचा था कि टू के लिए भी आपको ऑफर आएगा इस तरीके से? मैंने सीजन वन और सीजन टू एक साथ ही साइन किया था, तो मुझे बताया गया था कि एक अच्छे अभिनेत्री की ज़रूरत है, इसीलिए सीजन वन में उन लोगों ने मुझे प्लेस किया था, क्योंकि सीजन टू में ये सब था ट्विस्ट एंड टर्न. तो जब आपको ज़रीना के रोल के लिए इतना अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि वो कैरेक्टर ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, और जिस तरीके से आपने उसे निभाया था, तो किस तरीके का ऑडियंस का प्यार मिला, किस तरीके से आपके जो फ्रेंड्स थे उनका रिएक्शन मिला था आपको? फिलहाल मतलब सीजन वन के लिए तो बहुत सारा प्यार मिला था, बहुत सारा, मतलब सबको मेरा डांस बहुत पसंद आया था, सबको डांस, मतलब वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इज इस सीजन में भी ज़रीना डांस करेंगी या नहीं. तो आई थिंक मेरे जो दर्शक हैं उनको खुशी होगी ये जान के कि इस सीजन में भी थोड़ा सा डांस वांस है, तो इसीलिए आई थिंक ऑडियंस का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रोत्साहन मिला, इसीलिए इस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर इतना निखर के आया है क्योंकि सब देखना चाहते हैं. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस अली श्वेता सबके साथ में काम करने का? बहुत ही अच्छा रहा. मैं अली को थिएटर डेज से जानती हूँ, मैं जब मुंबई में थिएटर करती थी तब से मैं अली को जानती हूँ. ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि वो एकदम बदला नहीं है, अभी भी बहुत ही ग्राउंडेड हम्बल है, और बहुत अच्छा लगा सबके साथ एक्सपीरियंस, पंकज सर के साथ, श्वेता के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. एक घर जैसा माहौल था, ऐसा नहीं है कि अरे मैं ये कर रहा हूँ या आप ये कर रहे हो, तो बहुत ही इट वाज लाइक अ फैमिली. लॉकडाउन के पहले की बात करें तो शूटिंग का जो माहौल होता था, जो सेट होता था, वो बिल्कुल ही अलग होता था, तो इस बार कितने लाइक आफ्टर लॉकडाउन और COVID-19 किस तरीके के अंदर कितना चैलेंजिंग लगा शूट करने के टाइम पे, एंड कितना सेफ्टी का ख्याल रखा गया है सेट पर? ये शूट हम लॉकडाउन के टाइम तो नहीं कर रहे थे, ये तो हमारा पहले ही हो गया था,
ये कोविड के आने से पहले ही हम शूट खत्म कर चुके थे, पर हमने डबिंग करी थी ड्यूरिंग द कोविड डेज. और मतलब अपना अपना जो पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल जैसे सैनिटाइजेशन, मास्क, ग्लव्स, ये सब तो, और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब तो अभी पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है. सो लॉकडाउन कैसा रहा आपका? लॉकडाउन काफी काफी अच्छा ही रहा, कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में ही मेरे दो प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए हैं इस साल. एक था हॉटस्टार पे हॉस्टेज और ये अमेज़न पे मिर्ज़ापुर. तो कंप्लेन नहीं है कुछ, जो भी मिलता है और जैसे भी सिचुएशंस होते हैं मैं खुद को खुश रख लेती हूँ. अब सिचुएशन डिफ़िकल्ट है तो क्या कर सकते हैं, सबके पूरे दुनिया के लिए डिफ़िकल्ट है, तो रोने में या क्रिप करने में मैं विश्वास नहीं करती. मैंने ये पूरा लॉकडाउन बहुत ही इंजॉय किया, क्योंकि मैंने सारे वो किताब जो पढ़ने को समय नहीं मिलते थे वो मैंने ख़त्म किए. मैंने बहुत सारा योगा किया, तो मेरे लिए ये काफ़ी सेल्फ प्रोग्रेसिंग, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग टाइम रहा. आपके एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे, टैक्सी नंबर 24, तो उसके बारे में अगर आप अपने उसमें किस तरीके का कैरेक्टर है आपका, एंड सारी चीज़ें जो शूटिंग वगैरह थी किस तरीके से हुई थी, अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट देते हमें तो. शूटिंग हमने यहाँ मुंबई में की थी कुछ, और कुछ बाहर किए थे. बहुत ही ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था ये कोविड के बाद, टैक्सी नंबर 24. तो मैं काफ़ी थोड़ी सी डरी हुई थी, क्योंकि कोविड को लेकर इतना फियर है सबके मन में. लेकिन अब शूट के टाइम आप डिस्टेंस भी नहीं रख सकते, जैसे मेकअप दादा हो गए, को एक्टर्स हो गए, तो आप वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, क्लोज सेट था, बहुत ही कम लोग थे, और सबके जैसे चेकअप्स हो चुके थे, मेडिकल एवरीथिंग वाज डन, और सैनिटाइजेशन, मास्क, ये सब तो था ही. तो बहुत ही ये नया नॉर्मल बहुत ही अजीब है, लेकिन आई थिंक ये आहिस्ते आहिस्ते हम सब इसके साथ यूज्ड टू होने लगे हैं, आई वुड से. और प्रोजेक्ट के बारे में मैं इतना ही बता सकती हूँ कि सौमित्र सिंह ने ये डायरेक्ट किया है, और महेश मांजरेकर जी हैं इसमें. तो देखिए, ये मेरा जो किरदार है उसका नाम है रोज, और ये मेरी नेक्स्ट रिलीज होगी इसके बाद. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस महेश सर के साथ में काम करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी जाने जाते हैं अपने परफेक्शन के लिए? जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा. वो मतलब वो जहाँ है वो उनके एक्सपीरियंस के लिए है वहाँ, और कभी भी आप किसी भी एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम करो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो महेश सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो इट वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस. ये सवाल जो मेरा नेक्स्ट है थोड़ा हटकर है, बॉलीवुड में इस वक्त बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म की बातें हो रही है, तो आपके हिसाब से आपका क्या टेक है नेपोटिज्म पर? देखिए, मैं थोड़ा सा अलग सोचती हूँ. मुझे लगता है मैं एक आउटसाइडर हूँ, और मेरा कोई फिल्मी लीनेज है नहीं. फिल्मों से मेरे पापा मम्मी का दूर दूर तक, या किसी भी घर वाले का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है. लेकिन मेरा मानना ये है कि नेपोटिज्म बहुत नेचुरल है. आई मीन, मेरे पेरेंट्स मेडिसिन से बिलोंग करते हैं, और वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ. मुझे नहीं बनना था, वो अलग बात है. लेकिन नेपोटिज्म बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है. लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो नेपोटिज्म नहीं क्रिएट करता, वो ये जो क्लैनिज्म, ग्रुपिज्म होता है कि मुझे लगता है अगर एक नेपोटिज्म किड जो फिल्मी लीनेज से आया है, वो अगर मतलब अच्छे हैं अपने काम में, वो अगर एक अच्छे एक्टर हैं, एक अच्छे अभिनेता या अभिनेत्री हैं, तो बिल्कुल उन्हें काम मिलना चाहिए, काम करना चाहिए. लेकिन अगर वो अच्छे नहीं हैं अपने काम में और फिर भी उन्हें काम मिल रहा है क्योंकि उनका सरनेम कुछ है, वो मुझे सही नहीं लगता. वो मुझे लगता है कि हमारे देश का एक्टिंग स्टैंडर्ड उससे गिरता. तो मतलब जो टैलेंट पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि सरनेम पे.
कोई कहाँ से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो टैलेंटेड है उसको काम मिलना चाहिए। तो मेरा टेक यही है कि क्लैनिज्म ग्रुपिज्म करने से जो हमारे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है वो गिरता है, हमारे देश का स्टैंडर्ड गिरता है, देश का एक्टिंग स्टैंडर्ड गिरता है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी अच्छा है उसे तो काम मिलना ही चाहिए, वो सरनेम शुडंट मैटर। लास्टली आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? अभी तो बहुत कुछ है पाइपलाइन पे, लेकिन अभी किसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते। बस टैक्सी नंबर 24 इज माय नेक्स्ट रिलीज, यही मैं बता सकती हूँ। आप बिग बॉस फॉलो करती हैं? नहीं, आई एम सॉरी। इट्स ओके। चलो, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com.